हेलो किकी, हाय कर दो पापा को, किकी से हाय, से हाय, पहले बस से हाय, मैं तो हाय करती हूँ, हाय। तुमने तो पैंट गजब का पहना है यार, ये है बड़ा बढ़िया पैंट है तुम्हारा। बेटा घर जाना है, वो शॉप बंद हो जाएगी, हम लोगों को खरीदना है छोटी बेबी के लिए, चलो वी नीड टू बाय फॉर स्मॉल बेबी। तुम्हें वो चाहिए कि नहीं? योगर्ट भी ठीक बहुत अच्छा योगर्ट। धीरे 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 क्रॉसिंग में भाग रही है। आई होप अभी ग्रीन हो। करो करो प्रेस करो। क्यों आए हैं मम्मा अपन? हाँ जी हम आए, मेरे ऑफिस में एक कलीग है, उनको बेबी हुआ है, उसके लिए हमने मैंने वॉलंटियर किया कि मैं हैम्पर बना के दूंगी। वेट वेट तो हम हैम्पर के लिए सब सामान ले लें। चलो चलो ठीक है। होल्ड माय हैंड। हाँ जी। Not this way. तो हम लोग हैम्पर के लिए सब सामान लेने आए हैं, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ रॉयल प्राइस पे, और देखते हैं। Not that way, Kiki. Just I think 1 month old. 1 month भी नहीं हुआ होगा यार, अभी वो छोटा है, तो उसको अभी इसके लिए सामान लेने आए, देखते हैं कैसे हैम्पर बनाते सब। हमारे आस पास ही रहो बेटा। यहाँ भी मिलेगा क्या? न्यू लुक में मिलेगा क्या बेबी का? देखना पड़ेगा, पूछ क्या था एक बार, न्यू बॉर्न बेबीज के लिए है क्या? नो बेटा दैट इज बिग फॉर बेबी, स्मॉल बेबी के लिए बताओ क्या लेना है। वो लेना है सेम जगह हम फिर से आ गए हैं पिछली बार जहाँ आए थे, और फिर से हमने गिफ्ट ले लिया है, एंड दिस इज किकी एंड पापा, और पापा के हाथ में सारे गिफ्ट्स। अब हम आए थे टेस्को, और हमारी हो गई है शॉपिंग। अच्छा आई लव यू। अच्छा आप भैया पापा टैक्स तो पटा दो। क्या पटाना है टैक्स? स्पाइडरमैन बॉल। कौन लेके आया स्पाइडरमैन बॉल? किसने दिलाया? गोदी में क्यों? क्यों गोदी में? क्यों गोदी में? मम्मा इज आल्सो टायर्ड किकी। एंड आई नो यू नॉट टायर्ड। अरे बहना आई एम टायर्ड तो गोदी में चढ़ा। आई एम नॉट टायर्ड। शी इज नॉट टायर्ड तो क्यों गोदी में चढ़ा है? इफ यू आर नॉट टायर्ड तो आई कैन ऊपर से बोलो।
लगा दिया हाँ। गैस बंद थी? गैस मैंने चेक किया, आपने बंद कर दी थी मेरे सामने। कर दी थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, किकी जी सो रहे हैं हमारे, अपना नया बॉल लेके नया बॉल लेके आई है अपना स्पाइडी का। नाउ शी स्लीपिंग। गैस चेक कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, गैस हमारा पुराना रिकॉर्ड है, हम भूल जाते हैं तो चेक कर लेता हूँ। सवा आठ बजे ठीक है, तो मैं जा रही हूँ आज ऑफिस। काफ़ी बार हिंट मिल चुका है ऑफिस जाना चाहिए, इसलिए तो मैं जा रही हूँ ऑफिस। हाय किकी, एक्चुअली ऑफिस जाना था बट जो मेरा नेक है अभी तक ठीक नहीं हुआ। मुझे नेक में एक्चुअली थोड़ा सा स्प्रेन आ गया है, थोड़ा सा मतलब स्टिफनेस आ गई है, और वो जितनी बार मैं सो रही हूँ रात को और वर्स होती जा रही है। मतलब वो रात को सोने से ठीक होती है बट वो वर्स होती जा रही है, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आई थिंक वो जो पिलो हम मैं यूज़ कर रही हूँ आई थिंक वो ख़राब आ गया है। मैं वो ऑर्थोपेडिक वाला पिलो भी लेके आते हैं, तो इसीलिए अभी बहुत हालत ख़राब हो रही है। सुबह से उठ के पहले स्वप्न ने मेरी आधा घंटा मसाज किया है पूरे गर्दन का, तब जाके मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, वरना कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। इसलिए ऑफिस नहीं जा रही थी, आज भी दर्द है बट अब एक आध दिन शक्ल दिखाने तो चले जाएँ। काम तो नहीं रुकता है, काम तो घर से भी बहुत होता है बट ये आजकल सबको वापस कोविड में तो था कि हाँ घर से काम करो, बट अब वापस से चाहिए कि ऑफिस आओ, तो जा रहे हैं अब वापस से ऑफिस। हमारी नेबर्स हैं तो बोल दिया हम लोगों ने, और अब हम जा रहे हैं ऑफिस। किकी लेट्स गो टू ऑफिस। हेलो तो हम लोग, मेरा ऑफिस फिनिश हो गया है और हम लेने आए थे इडली का बैटर, बट गूगल हमने कुछ गलत एड्रेस लगा लिया, तो हम पहुंच गए सिटी सेंटर और अब यहाँ पहुंच ही गए हैं, तो हमने सोचा कि हम कड़क चाय से चाय पी लेते हैं। तो बस हमने सोचा है कि हम कड़क चाय से अब चाय पी लेते हैं, बस जा रहे हैं। आधी घंटा एक मिनट, मतलब आधी घंटा एक घंटे का रखो, एक घंटे का रख लो, फिर लेट हो गया। तो बस हम लोग जा रहे हैं, किकी पापा फ्रेंच फ्राइज खा लेगी और किकी निन्नू में है अपनी, रास्ते में इनकी अच्छी नींद हो जाती है, पापा मुझे लेने आते हैं। तो बस अब मैंने बोला भैया पापी प्लीज़ आप मुझे चाय पिला दो कड़क चाय से, अब यहाँ आ गए हैं तो बस अब जाते हैं पीते हैं। और अब मम्मी की याद आई है, हैं अब याद आई मम्मा की, गुस्सा हो जाती है भैया मम्मा ऑफिस जाती है तो कहना पापा गुच्छा बच्चा मुझे गुच्छा हो जाता है, मैं तभी मान गया मेरा लड्डू है ना, आई लव यू है ना। कहाँ रुकती है बस स्टॉप पर रुकती है, रोड पे नहीं रुकती। अभी तो आप कह रहे थे आपको बस में बैठना है, अब आपका बस वाला बात पूरा नहीं हुआ, तो आई वांट टू सिट ऑन मम्मा'स लैप। लड़की बहुत चेतानों की, चल लेट्स गो, लेट्स क्रॉस द रोड। ये लड़की जो है हमारी, अभी इनको बस में बैठना था, मुझे बस में बैठना है, मुझे बस पापा ही मेरा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। यस किकी ऑल सेइंग हाय, गुड मॉर्निंग। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप भी विश करना चाहेंगी बोल दो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चले चल, तो हम लोग जा रहे हैं अभी खाना लेने, क्योंकि हमारे घर में, चलो बाकी सब मैं आपको कार में बताऊंगी। हाँ जी, सो हम लोग जा रहे हैं अभी खाना लेने, बिकॉज हमारे घर में मुझे दो दिन से कुछ स्मेल आ रही थी, सिर्फ मुझे ही आ रही थी, स्वप्न को नहीं आ रही थी। तो स्वप्न कहते तेरी नाक ही ऐसी है, मुझे आ रही थी कुछ स्मेल, कुछ ऐसी फ्यूल जैसी स्मेल आ रही थी,
एंड मतलब इतनी तेज स्मेल थी कि वो मुझे मेरी आईज ईच कर रही थी और मुझे हेडेक भी हो रहा था उसकी वजह से. तो मैंने इसको बोला कि कुछ तो है, आई थिंक वी शुड रिपोर्ट इट. फिर स्वप्न ने रिपोर्ट किया हमारे जो लेटिंग एजेंट से उनको, फिर उन्होंने बंदे भेजे चेक करने के लिए. तो हमारे मतलब जो वाटर हीटर जो बॉयलर है उसमें तो कोई इशू नहीं है, बट जो गैस का जो हमारा बॉयलर है यहाँ पे, जैसे इंडिया में सिलेंडर्स होते हैं वैसा नहीं है, यहाँ गैस की पाइप है. हाँ. तो कभी कभी हो जाता है, देयर आर चांसेस कि यू ईट चिप्स. वही उन्होंने चेक किया है, प्रिलिमिनरी चेक्स किए तो अभी तो ठीक है, बट हाँ उन्होंने ये सस्पेक्ट किया कि वहाँ पे थोड़े से शायद कहीं से लीक हो रहा है. तो इस तरह उन्होंने गैस की लाइन ही बंद कर दी, तो घर में खाना नहीं बनेगा अभी. वैसे मुझे आज ऑफिस जाना था, मैं पूरी रेडी थी. मेरा मन था कि इंडिपेंडेंस डे के दिन मैं पूरा इंडियन अटायर में जाऊं. वैसे तो मैंने साड़ी मंगवाई थी, वो पहन के जाने का मेरा मन था, पर अभी साड़ी अभी तक आई नहीं, अभी इन ट्रांजिट में है तो आ जाएगी शायद अभी एक दो दिन में. तो बट मैंने सोचा फिर भी इंडियन अटायर पहन के जाऊंगी. मैं पूरी रेडी थी बट फिर ये सब कुछ हो गया एंड देन बैक टू बैक कॉल्स, तो फिर मैं जा ही नहीं पाई ऑफिस. और आज बहुत कॉल्स थे मॉर्निंग 8 o'clock से. रोमांच भरा दिन अभी तक चल रहा है. तो अब और इसी उसमें हमें बाहर का खाना खाने को मिल रहा है. तो बस हम जा रहे हैं, हमारे लिए सपने ले किकी के मजे हैं. हाँ, किकी जी के मजे आ गए, वो अपना खाएंगी इडली डोसा बाहर से. तो हम लेने जा रहे हैं चिप्स. हाँ मैं चिप्स भी खा रही हैं, तब से बता रही ना मैं चिप्स खा रही हूँ. खा लो. शी वॉन्ट्स अ रिएक्शन कि हम उसको मना करें कि चिप्स मत खाओ, इसीलिए वो बार 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 बोल रही है ना कि आई एम ईटिंग चिप्स, आई एम ईटिंग चिप्स. तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी इन दिस इंडिपेंडेंस डे, एट दिस इंडिपेंडेंस डे, बिकॉज जो भी इंडिया में अभी हुआ, जो बांग्लादेश में चल रहा है, मतलब एवरीथिंग, लाइक आई एम नॉट वेरी हैप्पी. इट्स नॉट अ वेरी गुड फीलिंग राइट नाउ जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, और जो कोलकाता रेप केस अभी हुआ है. मेरे चैनल्स जो इंस्टाग्राम चैनल्स हैं उन पर मैंने इस पर एक वीडियो भी डाला है. तो आई वॉज़ वेरी हर्ट, मतलब बींग अ वुमन, मेरी बेटी भी है, तो ये सब चीज़ें मतलब मुझे पहले भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती थी और अब तो और ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं. और ऐसा लगता है मतलब एक डर का माहौल रहता है हमेशा, ऐसा लगता है कि हम सिक्योर है भी कि नहीं, हम सेफ है भी कि नहीं. कैसे अपने आप को सेफ़ और सिक्योर रखें जब आप अपनी वर्क प्लेस पे ही सेफ नहीं हो, तो कहाँ सेफ हो सकते हो. तो है थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बिंग है, बट यस ठीक है. अब मतलब वी आर लाइक वी वांट जस्टिस, दैट्स इट. तो बस यही है कि जस्टिस मिले. और इंडिया मतलब गवर्नमेंट कुछ ऐसे पॉलिसीज़, कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आए कि जिसके कारण लोग ऐसी कोई भी गलत हरकत करने के पहले एक बार नहीं दो बार नहीं करोड़ों बार सोचें. इससे मतलब मुझे ऐसा लगता है मिडिल ईस्ट ज़्यादा अच्छा है इन सब चीज़ों में, कि उनके जो रूल्स हैं इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट हैं. कोई सोच भी नहीं सकता है विमेन के साथ बदतमीजी करने को. ऐसे ही कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हमें इंडिया में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो बस वही है.